जून 2023 को टाटा सफारी वाहन में अक्षय दीक्षित और उनके मित्र नर्मदापुरम सीएमएचओ डॉक्टर दहलवाल व बाबाई सीएमओ रोहित शर्मा और एक पुलिस कर्मचारी अक्की जायसवाल सिवनी बानापुरा में डॉक्टर रघुवंशी के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। टुलिया के पास मंगवारी पुलिया पर गाड़ी पलटने से अक्षय दीक्षित की मौके पर मौत हो गई। अन्य साथियों को चोटें आईं। मृतक के पिता अरुण दीक्षित को यह शंका है कि उनके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हुई बल्कि उन्हें किसी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई, क्योंकि मौका या वारदात पर मिले सबूत और उनके साथियों द्वारा जो बयान दिए गए हैं वो शंका उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी गुरुकरण सिंह को ज्ञापन देकर निम्न बिंदुओं पर बारीकी से जांच करने की मांग की है ताकि उनके पति की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। हाँ दीक्षित जी, आज आप एसपी ऑफिस आए हैं और आपने एक आवेदन भी दिया है पुलिस को, तो क्या कुछ आपकी मांग है और क्या किस चीज़ का आवेदन दिया है आपने? 11 जून को सड़क दुर्घटना में मेरे बेटे की डेथ हुई, जिसमें मुझे शंका है कि उसके साथ साजिश रची गई जी। उसमें 14 पॉइंट मैंने निर्धारित किए हैं जी, जिसमें एसपी साहब को बोला है मैंने कि इसकी जाँच करवाई जाए और संबंधित के खिलाफ दोषियों को जांच करवाई जाके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मेरा निवेदन किया है एसपी साहब से। और अगर इस विषय में अगर कार्रवाई अगर एक मेरे के अंदर नहीं होती तो निश्चित ही हमारे संस्था के सदस्य जितने खड़े हैं सब आंदोलन की राह पे चलेंगे और इसमें शासन की पूर्ण जवाबदारी रहेगी कि क्यों नहीं इसकी जाँच हुई। कौन सी संस्था है आपकी? मेरा एक तो कांग्रेस जुड़ा हूँ मैं जी, दूसरा सामाजिक समरसता राष्ट्रीय एकता मंच है, तीसरा ब्राह्मण समाज का हूँ मैं जी, उसका भी अध्यक्ष हूँ यहाँ पर, और हमारे जितेंद्र ओझा जिला अध्यक्ष हैं ये भी आए हुए हैं यहाँ पर, सिख समाज के अध्यक्ष वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, मुस्लिम समाज के भी अध्यक्ष आए। संदेह इस पूरे मामले को लेकर क्या संदेह लग रहा है आपको? सबसे ज्यादा संदेह इसमें शंका जाहिर की जा रही है कि उसके साथ साजिश रख के उसकी हत्या की गई। कौन लोग थे, कैसे हुआ आपको जी, शक कैसे हो रहा है? ये मेरे पास पॉइंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा नहीं, वो अभी तक मैं पढ़ लूंगा। तो उसमें आपको किसके ऊपर है, मतलब जो गाड़ी में साथ में थे उन पे है या जो बाहर? ये तो जांच का विषय सुधीर भाई, अच्छा। कि जांच में निष्कर्ष निकल जाए कि किसके किसके ऊपर शक किया जा सकता है। अच्छा भाई, गाड़ी के अंदर तो तीनों व्यक्ति थे, तीनों को चोट नहीं आई, गंभीर अवस्था में मेरा बेटा घायल अवस्था में मिला, उसको सीओ में जो घायल अवस्था में छोड़ के आ गए, जबकि एक जिम्मेदार पद पे थे, चाहते वो एम्बुलेंस बुला सकते थे, फर्स्ट एड दे सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के उसको छोड़ के आए, ऐसा लगता कि उन्होंने चाह ही रहे थे कि ये मृत्यु हो जाए। ये घटना किस दिनांक की थी? 11 जून 23 की। तो आप इतना लेट हो गए, 3 महीने यदि आपको ऐसा था? मेरे को ये आश्वस्त किया गया था कि इसकी जांच करवा रहे हैं, एसपी साहब बोला था कि इसकी जांच करवा रहे हैं, मौके की चर्चा हुई थी एसपी साहब से जी जी जी, और मुझको ये कहा गया था कि अगर आप इसमें जांच कराओगे तो आपका LIC का पैसा रुक जाएगा। अच्छा। मुझे दुख है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने आज तक एक पैसा नहीं दिया, 4 महीने होने पे आ रहे हैं जी जी, जबकि उनको तुरंत 15 दिन के अंदर बेसिक जो निकलता है उसका बीमा का, वो बेसिक उनको 15 दिन के अंदर भुगतान कर देना था, लेकिन आज 4 महीने हो रहा है, भारतीय जीवन बीमा ने एक पैसा नहीं दिया मुझको। क्या बोल रहे हैं बीमा वाले, क्या बोल रहे हैं? हो जाएगा दीक्षित जी, हो जाएगा, आप चिंता मत करो जी। ठीक है सर, धन्यवाद। नंदापुरम से हिनाली की रिपोर्ट।